हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। अगर आप एसएससी सीरियल का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो किस तरीके से आपको अप्लाई करना है वो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखते हो तो आप बिना मिस्टेक के अपना फॉर्म फिलअप कर पाओगे। तो दोस्तों, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है वो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने से पहले अगर आपने इसमें पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो दोस्तों आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और ये यहाँ पर अपना पासवर्ड डालकर और ये कैप्चा कोड डालकर आपको लॉगिन करना होगा। अगर आपने इसमें कभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, दिख रहा है रजिस्टर नाउ का ऑप्शन, आपको इसी पर एक बार क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर देखिए इस तरह थोड़ा नीचे की साइड स्क्रॉल करना है। इस तरीके से यहाँ पर पूछ रहा है डू यू हैव आधार कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको यहाँ पर एस करना होगा। एस करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से आधार नंबर डालना है, वही आधार नंबर आपको फिर से इसमें डाल देना है। अब आपको नीचे की साइड थोड़ा स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपने पिता का नाम देना होगा और यहीं से सेम फिर से पिता का नाम डालना है। यहाँ पर दो दो बार इसलिए पूछ रहा है, अगर आप कोई मिस्टेक करते हैं तो आप दोबारा से इसमें डाल सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर डाल रहे हैं। इस तरीके से आपको डालने के बाद फिर से आपको यहाँ पर अपने पिता का नाम डालना है। यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी मदर्स का नाम देना होगा, आपकी जो भी माता का नाम है वही आपको फिर से इसमें डालना होगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपकी जन्म तिथि इस कैलेंडर में से चूज कर सकते हैं, आपकी कितनी जन्म तिथि है वो देना चाहें दे सकते हैं। इस तरीके से आपकी जो भी जन्म तिथि लगती है वो जन्म तिथि आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, इस कैलेंडर में से चूज करेंगे और आपको यहाँ पर अपनी जन्म तिथि डाल देनी है। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर जन्म तिथि डाल दी। इसी तरीके से आपको फिर से इसमें सेम वही जन्म तिथि डाल देनी है। अब आपको नीचे की साइड स्क्रॉल करना है, यहाँ से दोस्तों आपको अपने हाई स्कूल का रोल नंबर देना होगा और यहाँ से फिर से आपको अपने हाई स्कूल का रोल नंबर देना होगा, क्योंकि दोस्तों आप किसी में भी फॉर्म फिल कर रहे हैं यहाँ पर डिटेल हाई स्कूल की ही देनी होगी। अब यहाँ से दोस्तों आपने किस साल हाई स्कूल पास किया है वो आपको पासिंग ईयर यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी और वही ईयर यहाँ पर सेम सिलेक्ट फिर से करनी होगी। अब यहाँ से दोस्तों आपको जेंडर सिलेक्ट करना है, आप मेल हैं या फीमेल हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको फिर से यहाँ से देखिए डबल सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ से देखिए लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी कितनी हायर क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे अगर आप 10+2 देते हैं तो दोस्तों एसएससी सीरियल में फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ग्रेजुएट लेवल मांगी गई है। तो यहाँ से चलिए हम ग्रेजुएट सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ से दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर दोस्तों वो देना है जो वैलिड हो, चालू हो, उस पर एक OTP जाएगा, इसलिए आपको सेम मोबाइल नंबर देना होगा जो आपका चालू हो, वही नंबर आपको इसमें डालना है। जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आपको इसमें डाल देना है। अब यहाँ से दोस्तों आपको अपनी ईमेल आईडी देनी है। ईमेल आईडी दोस्तों वही देनी है जो वैलिड हो, चालू हो, जिस पर एक OTP सेंड किया जाएगा, उससे OTP का आपको पता लग जाए। अब यहाँ से दोस्तों फिर से ईमेल आईडी डालनी है। यहाँ से दोस्तों आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, आप कहाँ से हैं। जैसे दोस्तों हम यहाँ से उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए ये सारी डिटेल हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं, फिर आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको सेव पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी दिख जाएगी, बस आपको कन्फर्म वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे आपके यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी ईमेल आईडी पर सेंड कर दिया जाएगा। देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है और आपकी ईमेल आईडी पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी सेंड कर दिया जाएगा। बस आपको यहाँ पर देखिए ओके वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे अब दोस्तों आपको यहाँ से देखिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर और आपने जो पासवर्ड बनाया वो पासवर्ड डालना होगा। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो दोस्तों आपको यहाँ से देखिए फॉरगेट पासवर्ड करना होगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है आप किस स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपने जो रजिस्ट्रेशन करते समय ईमेल दी थी या मोबाइल नंबर दिया था वो आपको यहाँ पर डालना होगा। तो चलिए अपना हम यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देते हैं, फिर आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे आप मोबाइल नंबर डालकर सबमिट करेंगे आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, या आपके रजिस्टर मोबाइल पर या आपके ईमेल पर भी सेंड किया जा सकता है। जिस पे आपका OTP आ जाता है वो आपको यहाँ पर OTP डालकर आपको ये कैप्चा कोड डालकर सबमिट करना होगा। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर अपना OTP डाल दिया। अब आपको यहाँ से देखिए सबमिट के बटन पर एक बार क्लिक कर देना है। इस पर जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर दोस्तों आपको अपना नया पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों पासवर्ड कुछ इस तरीके से बनाना है जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है। आपका यहाँ पर एक
कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, स्पेशल करेक्टर और 1, 2, 3 इस तरीके से होना चाहिए, तभी आप इसमें पासवर्ड बना पाओगे। इस तरीके से पासवर्ड बनाने के बाद वही आपको सेम पासवर्ड इसमें डालना है और आपको सबमिट करना होगा। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल दिया। अब आपको सबमिट के बटन पर एक बार क्लिक कर देना है। इस पर जैसे क्लिक करोगे, देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका पासवर्ड सक्सेसफुली हो चुका है। अब आपको यहाँ से देखिए इस क्लोज वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। अब यहाँ से दोस्तों जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, और आपने जो भी पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड डालना है, और ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में डालकर आपको लॉगिन करना होगा। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेते हैं। दोस्तों जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करोगे, देखिए दोस्तों, आप डैशबोर्ड पर लॉगिन हो जाओगे। अब आपको नीचे की साइड स्क्रॉल करना है। इस तरीके से आपको सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन में दी है। बस आपको यहाँ पर देखिए नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे, फिर से आपको सेव पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप सेव पर क्लिक करोगे, यहाँ पर देखिए आपका डाटा सेव हो जाएगा। अगर आप इसमें कोई भी चेंजिंग करना चाहें कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं, आपको इसमें सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ से अपना सिलेक्ट करना होगा। आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, एसटी हैं, एसटी हैं, जो भी हैं आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ से ओबीसी सिलेक्ट कर लेते हैं। इस तरीके से आपको दो दो बार सिलेक्ट करना होगा। नेशनलिटी में आपको यहाँ से इंडियन सिटीजन चूज कर लेना है। अब आपके अगर शरीर पर कोई कट मार्क है तो आप यहाँ से दे सकते हैं, जैसे कोई तिल कट मार्क, कोई चोट का निशान, वो आप देना चाहें दे सकते हैं। अगर आपके शरीर पर कुछ भी नहीं है तो आप नो मार्क की एंट्री कर सकते हैं। अब आपको यहाँ से देखिए पूछ रहा है कि आप पीएच कैंडिडेट हैं, अगर आप कोई डिसेबिलिटी है तो आपको यस करना होगा, वरना आप इसे नो ही रहने देना है। अब आपको यहाँ से देखिए आपका जो भी एड्रेस है वो एड्रेस आपको इसमें डाल देना है। आपको यहाँ से अपनी स्टेट सिलेक्ट करना है। आपकी जो भी स्टेट है वो स्टेट आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। अब आपको यहाँ से अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है। आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट लगती है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से दोस्तों आपको अपने एरिया का पिन कोड डाल देना है, और पिन कोड डालने के बाद आपको यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर आपका परमानेंट एड्रेस एंड प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो दोस्तों आपको इस पर टिक लगा देना है। ऊपर का एड्रेस यहाँ पर नीचे की साइड पेस्ट हो जाएगा। तो चलिए ये सारी डिटेल हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं, फिर आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर सारी डिटेल फिल कर ली है। अब आपको यहाँ से देखिए सेव वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। अब जैसे आप सेव पर क्लिक करोगे, देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं आपकी ये डिटेल सेव हो चुकी है। अब आपको इस पर एग्री करना है, और आपको यहाँ से देखिए फाइनल सबमिट करना होगा। पहले दोस्तों इसमें यहीं पर फोटो सिग्नेचर को अपलोड करना होता है, लेकिन दोस्तों अब यहाँ से हटा दिया गया है। बस आपको यहाँ से देखिए फाइनल सबमिट करना होगा। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे, आपके रजिस्टर ईमेल आईडी पर या फ़ोन पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। वो ओटीपी आपको इसमें डालकर ये कैप्चा कोड डालकर सबमिट करना होगा। तो चलिए ये सारी डिटेल हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं, फिर आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर अपना ईमेल वाला ओटीपी डाल दिया है। आपके ईमेल पर या फ़ोन पर किसी पर भी आया हो, एक ओटीपी डालकर आपको सबमिट करना होगा। तो चलिए हम यहाँ से सबमिट कर देते हैं। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर सबमिट हो चुका है। अब आपको यहाँ से देखिए एक दिख रहा होगा सेक्शन लेटेस्ट नोटिफिकेशन, आपको इस पर क्लिक करना होगा। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे, देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2022। यहाँ से देखिए दोस्तों, आप 17/9 से 8/10/2022 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको नीचे की साइड यहाँ पर देखिए अप्लाई वाला ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना होगा। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे, देखिए दोस्तों, आपकी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड पहले ही जानकारी ले ली गई है। अब आपको नीचे की साइड स्क्रॉल करना है। यहाँ से दोस्तों सबसे पहले आपको प्रेफरेंस ऑफ एग्जाम सेंटर, सबसे पहले आपको एग्जाम सेंटर चूज करना है। आप जहाँ जहाँ भी रखना चाहते हैं वहाँ आप रख सकते हैं। इस तरीके से आपको 3 एग्जाम सेंटर यहाँ पर चूज करने होंगे। अब यहाँ से पूछ रहा है कि आप एक सर्विसमैन हैं, अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो दोस्तों आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट आपको यहाँ पर देनी होगी, डिस्चार्ज। अगर आप एक सर्विसमैन नहीं हैं तो बस आपको सिंपल यहाँ पर नो कर देना होगा। अब आपको नीचे की साइड स्क्रॉल करना है। इस तरीके से स्क्रॉल करते जाएंगे, यहाँ से दोस्तों अगर आप एज में रिलैक्सेशन चाहते हैं तो आपको यस करना होगा। अगर आपकी एज सही है तो आपको यहाँ पर नो ही रख देना है। अब यहाँ से दोस्तों आपको हायर क्वालिफिकेशन देनी है, आपकी कितनी क्वालिफिकेशन है, आपने क्या कर रखा है, वो आपको यहाँ पर सही तरीके से देना है। जैसे दोस्तों हम यहाँ पर दे रहे हैं, आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन आप यहाँ से दे सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी हायर क्वालिफिकेशन यहाँ पर चूज करनी है। जैसे दोस्तों हमने यहाँ से बीएससी चूज किया है, तो यहाँ से आपको ग्रेजुएट चूज करना है। अब यहाँ से दोस्तों अगर आप पास हैं तो आपको पास सिलेक्ट करना है, अगर आप अपेयरिंग हैं तो बस आपको अपेयरिंग सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपको रोल नंबर और अपनी परसेंटेज डालनी होगी। तो चलिए हम यहाँ से अपना पास कर देते हैं। पास करने के बाद आपने किस साल पास की है वो आपको पासिंग ईयर आपको यहाँ पर देनी होगी। इस तरीके से आप चूज कर सकते हैं, आपकी जो भी पासिंग ईयर है वो पासिंग ईयर आप यहाँ पर दे सकते हैं। पासिंग ईयर देने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से अपनी आपने किस बोर्ड से पास की है वो आपको यहाँ पर देना होगा, स्टेट ऑफ बोर्ड। अब यहाँ से दोस्तों आपने
यहाँ से दोस्तों आपको अपने बोर्ड का नाम, यहाँ से दोस्तों आपको अपनी स्टेट का नाम देना है, और यहाँ पर दोस्तों आपको अपने बोर्ड का नाम देना होगा, यहाँ पर अपना रोल नंबर और यहाँ पर परसेंटेज, और यहाँ पर दोस्तों पूछ रहा है नीचे की साइड आपको स्क्रॉल करना है। इस तरीके से आपको स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ से देखिए यहाँ पर नो कर देना है। अब आपको नीचे की साइड स्क्रॉल करना है इस तरीके से जैसे हम कर रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको अपने फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है। दोस्तों फ़ोटो ध्यान रखना है 20 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए, वो भी जेपीजी फॉर्मेट में, और इसकी विड्थ 3.5 इंच और हाइट इसकी 4.5 इंच होनी चाहिए। और उसमें देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको डेट दी गई है 17 जून से पहले का एक फ़ोटो आपके पास होना चाहिए। फ़ोटो अपलोड करेंगे, एस करेंगे, और यहाँ से दोस्तों आपको सिग्नेचर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं 4.0 सेंटीमीटर विड्थ और 2.0 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और आपको यहाँ पर दोनों तरीके चूज फाइल पर क्लिक करके आपको अपलोड करने होंगे। अब आपको नीचे की साइड स्क्रॉल करना है और आपको इस पर एग्री करना है। एग्री करने के बाद दोस्तों आप ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में डालने के बाद आपको प्रीव्यू करना होगा। तो चलिए ये सारी डिटेल फिल कर लेते हैं, फिर आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर ये सारी डिटेल फिल कर ली है और कैप्चा कोड भी इस बॉक्स में डाल दिया। अब आपको प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। दोस्तों जैसे आप प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे आपका पूरा फॉर्म यहाँ पर खुल के आ जाएगा। आप इसे चेक करना चाहें चेक कर सकते हैं, वरना आप मॉडिफाई करना चाहें मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी मिस्टेक नहीं लगती है तो आपको सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद देखिए दोस्तों आपको यहाँ से ओके कर देना है। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं आपको प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फॉर्म की प्रिंट आउट ले लेनी है। देखिए दोस्तों इसकी प्रिंट आउट आ चुकी है, आप इसकी प्रिंट आउट ले सकते हैं। अब आपको यहाँ से फिर से बैक आना है। आपको यहाँ पर एस कर देना है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों आपको फीस पेमेंट करनी होगी, इसके लिए आपको ऑनलाइन चूज करना है और आपको यहाँ से देखिए सबमिट करना होगा। जैसे आप सबमिट के बटन पर क्लिक करोगे देखिए दोस्तों यहाँ पर पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, UPI, डेबिट कार्ड, जिससे भी पेमेंट करना चाहें उससे पेमेंट कर सकते हैं। जैसे दोस्तों हम यहाँ से डेबिट कार्ड से पेमेंट करने वाले हैं तो डेबिट कार्ड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। अब आपको यहाँ से देखिए इस कन्फर्म वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे देखिए दोस्तों आपके सामने ये वाला इंटरफेस होगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर अपना ATM कार्ड का नंबर डालना है। यहाँ से दोस्तों आपको एक्सपायरी डेट डालनी है और कार्ड होल्डर का नाम डालना है, और आपको CVV डालने के बाद आपको ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में दिख रहा है इस पर क्लिक करके आपको पे नाउ पर क्लिक कर देना है, जिससे आपकी पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ से हम आपको बैक होके आपको फॉर्म को दिखा देते हैं। अब दोस्तों जैसे आपकी पेमेंट हो जाएगी आप इसका फॉर्म का यहाँ से प्रिंट आउट ले सकते हैं, आप पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। आप यहाँ से इस तरीके अगर आपकी पेमेंट फेल हो जाती है तो आपको डबल वेरिफिकेशन और पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप SSC CGL का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।